दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे एसी वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के बारे में। तो एक ही डिस्प्ले के अंदर एसी वोल्ट भी टेस्ट करेंगे और एसी एम्पेयर भी। तो यानी आज इस मीटर को 2-in-1 बनाएंगे। तो इसका जो एमीटर को बनाने का पूरा प्रोसेस था मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिखा दिया था। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हो तो चैनल में जा करके उन वीडियो को देख सकते हो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर +5 वोल्ट और ग्राउंड और -5 वोल्ट जो इसको मीटर को सप्लाई दी जाती है उसके बारे में। तो मैंने यहाँ पर एक 0 PCB पे एक मॉड्यूल बना रखा है जिसका मैं आपको सर्किट डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर बना रखा है। इसके अंदर 1N4007 के ये 4 डायोड लगा रखे हैं यहाँ पर, ये चारों डायोड। तो ये 2 डायोड नेगेटिव वोल्टेज के लिए और 2 डायोड पॉजिटिव के लिए। और यहाँ पर ये यानी फेस सप्लाई दी गई है एसी इनपुट जो ये फेस है। और इसके सीरीज़ के अंदर एक 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये फिल्म कैपेसिटर। और इसके पैरेलल के अंदर एक 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो आगे आए डीसी आउटपुट पे तो यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर है 220 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का, ये रेड कलर का है जो। और बाकी ये दोनों कैपेसिटर सेम है, तीनों कैपेसिटरों की एक ही रेंज है। और यहाँ पर ये जेनो डायोड है 2 जो ये 5 वोल्ट का है नेगेटिव वोल्टेज के लिए, और ये भी 5 वोल्ट का है पॉजिटिव वोल्टेज के लिए, जो दोनों ये 1 वाट के हैं। और यहाँ पर -5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और यहाँ पर ग्राउंड की और यहाँ पर +5 वोल्ट की। तो मैं आपको इस मॉड्यूल को भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये मैंने इस तरह से कर रखा है इसको। और यहाँ पर एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस ले रखी है जो एसी इनपुट के सिग्नल को मीटर को, इस मीटर को देने के लिए है। यहाँ पर एसी इनपुट की जो सप्लाई देंगे इस मीटर को उसके लिए है। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए डीसी वोल्टेज भी टेस्ट करेंगे। 20 वोल्ट की रेंज पे मीटर को लगा रखा है मैंने। और इस ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पर रखेंगे और इधर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है प्लस का और इस जगह पर नेगेटिव 5 वोल्ट है। तो अब इसको मीटर को सप्लाई चालू कर देते हैं। मीटर के अंदर मैं पावर को ऑफ कर देता हूँ। अब पावर को ऑन करते हैं। मीटर के अंदर 0000 डिस्प्ले आ रही है। अभी इसको एसी वोल्ट का सिग्नल नहीं दिया है, अब एसी वोल्ट का सिग्नल भी इसमें जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो एसी का सिग्नल देते हैं इस वोल्ट मीटर को, वो इसमें लगा दिया है। अब पावर को चालू करके देखते हैं। अब यहाँ पर 194.95 वोल्टेज एसी वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैं इस मीटर से भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, एसी वोल्ट पे कर लेता हूँ मीटर को। और यहाँ पर 196 वोल्टेज आ रहे हैं। और इस 10K के प्रीसेट से वोल्टेज को इसके मीटर के साथ में कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तो हो गया इसका वोल्ट मीटर। और एम्पेयर मीटर बनाने के लिए एक सीटी लगाएंगे इसमें। तो मैं आपको इसको कैसे लगाते हैं इसका मैं एक सर्किट डायग्राम और दिखा देता हूँ। जो पहले का ये सर्किट बनाया हुआ है मेरा, तो यहाँ पर मैंने पहले इसको, इसका जो फुल स्केल था इस मदरबोर्ड का, पहले 200 मिली वोल्ट का इसका फुल स्केल था। अब मैंने इसको 2 वोल्ट का फुल स्केल इसमें कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा चेंजिंग किया है। यहाँ पर 417K की रेजिस्टेंस लगा दी है, 28 पिन नंबर 28 पे।
और पिन नंबर 29 पे 47 नैनो फैराड का कैपेसिटर और पिन नंबर 36 पे यहाँ पर फिक्स 1 वोल्ट का यानी रेफरेंस वोल्टेज है, यहाँ पर 1 वोल्ट का सेट कर दिया है। और यहाँ पर एसी वोल्ट के लिए LM358 आईसी का एसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है, उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 10K का जो प्रीसेट लगा हुआ है ये वोल्टेज को कैलिब्रेशन करने के लिए है। और ये यहाँ पर ये पहले जो दिखाया था वो है। तो अब इसको ऐसे लगाएंगे जो ये सर्किट डायग्राम है, तो इस लाइन से मिला देंगे इसको। यहाँ पर एक टू वे टू पोल का स्विच लेंगे जो जिसकी एक साइड की जो 3 लेग है जो बीच का कॉमन है और ये NC है, यानी स्विच को ऊपर करेंगे तो ये वोल्टेज की रेंज पे आ जाएगा और स्विच को नीचे करेंगे तो ये करंट की रेंज पे आ जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा पोल है इसका एक को जो DP3 है, इसको जो पॉइंट है चालू करने के लिए DP3 इसको ग्राउंड कर रखा है 470 ओम की रेजिस्टेंस लेकर के। ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लग रही है 470 ओम की रेजिस्टेंस है ये DP को चालू करने के लिए, जो दूसरे पॉइंट दूसरे नंबर की जो DP है इसको चालू करने के लिए। तो इसको कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले इसमें CT को लगा लेंगे यहाँ पर, और इसको भी रेजिस्टेंस को लगा करके एक प्रीसेट और लगा लेते हैं यहाँ पर, यानी 200 ओम का प्रीसेट। अब इस मॉड्यूल के अंदर इस CT को भी लगा दिया है अच्छी तरह से, और इसमें रेजिस्टेंस और ये प्रीसेट भी लगा दिया है करंट को कैलिब्रेशन करने के लिए, और ये इसका करंट का आउटपुट है तो सर्किट में यहाँ पर है, ये करंट का आउटपुट है। और एक साइड को इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें लोड देंगे जो इसके लिए ये दोनों वायर लोड के छोड़ दिए हैं मैंने, इसको यहाँ से न्यूट्रल दे दिया है। और ये CT का वायर आ गया है फेस का, तो इसमें एक टू वे टू पोल स्विच भी लगा लेते हैं। ये दोनों ब्लैक वायर तो DP के लिए चले जाएंगे, एक तो यहाँ पर लग जाएगा 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड हो जाएगा, और दूसरे यानी तीसरे नंबर के DP पे ये दूसरा ब्लैक वायर लग जाएगा इसका। और ये वायर वोल्टेज सिग्नल के लिए है, और ये इसका आउटपुट है, और ये करंट सिग्नल के लिए, इसको भी लगा लेते हैं। अब पावर को चालू करते हैं, ये एम्पेयर की रेंज पे है अभी। अब इसको वोल्टेज की रेंज पे करते हैं, वोल्टेज की रेंज में 130 वोल्टेज आ रहे हैं, मैं वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये 200 वोल्टेज आ रहे हैं अभी AC। और इसको ये एम्पेयर की रेंज पे चालू हो गया, और इसका पॉइंट भी ये दिखने लग गया। अब तो इसमें एक लोड लगा के भी टेस्ट कर लेते हैं, यानी इसके 0.38 एम्पियर आ रहे हैं, और इस मीटर से भी एक बार कैलिब्रेशन करके देख सकते हैं। यानी इस मीटर पे
0.2 एम्पियर आ रहा है और इस पे आ रहा है 0.39, तो यहाँ से एम्पियर को कैलिब्रेशन करेंगे। ये दोनों में सेम एम्पियर आ रहा है, इसमें भी 0.22, 23। अब मैं इसको एक बॉक्स के अंदर इसको फिट कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स में भी। अब इस मीटर को अच्छी तरह बॉक्स में फिट कर दिया गया है और अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। अब टेस्ट करने के लिए पहले मैं एसी वोल्ट में लगाता हूँ, तो यहाँ पर एसी वोल्टेज आ रहे हैं और अब इसको एम्पियर पे करता हूँ तो 0.0 एम्पियर आ रहे हैं। और अब मैं इसको टेस्ट भी करता हूँ एम्पियर पे और में एक बल्ब जलाते हैं तो इसके 0.22 एम्पियर आ रहे हैं एसी एम्पियर। और अब इसमें वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो 200 वोल्टेज आ रहे हैं, तो एम्पियर पे ही रहने देता हूं मैं और मीटर को ऑन करता हूं और इस मीटर से भी इसको कैलिब्रेशन देखता हूं मैं। तो दोनों में सेम एम्पियर दिखा रहा है, एक का फर्क है। अब इस मीटर के अंदर एक ग्लेंडर लगा के लोड और टेस्ट करते हैं। एम्पियर पे कर देता हूँ मैं इसको। और अब इसके जो मिनिमम कितने वोल्टेज पे ये मीटर काम करता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी इसको धीरे धीरे वोल्टेज में कम करता हूँ तो ये 100 वोल्टेज तक तो ठीक दिखाएगा, इसके बाद में इसकी पावर कम हो जाएगी, ये डाउन हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।